लो जी पहुंच गए चंडीगढ़। हाँ जी वरुण भाई कैंट हो, लोकेशन कैंट है। चलो ओके भाई कल बनाते हैं से ब्लॉग। और 4-5 दिन से कमरे मतलब बाहर नहीं गए थे कहीं घूमने, मतलब घूमने भी क्या बाहर भी नहीं निकले थे कहीं। तो आज थोड़ा सा प्लान बन रहा है कि आगे पीछे जाके आते कहीं, हैं हमारे दोस्त वगैरह थोड़े उनसे मिल के आते हैं और देखते क्या क्या होता है। चलो चलते हैं फिर। तो भाई वरुण भाई अभी कटिंग करा रहे हैं और अंदर कटिंग करा रहे हैं और अभी हम जाएंगे कहाँ जाएंगे। वैसे वरुण भाई का फ़ोन पकड़ा भी मैंने तो कैमरा क्वालिटी थोड़ी बढ़िया आ रही होगी। तो अभी हम जाएंगे प्रिंस भाई के साथ, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे ठीक है, वरुण भाई के दोस्तों सारे। तो मैंने शायद बताया होगा कि मैं इंटर्नशिप करने आया हूँ यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी में, तो कभी कभी लगता है टाइम, अब कम ही टाइम लगता है ब्लॉग बनाने का। तो यही ये चल रहा है अभी ठीक है, जब मौका मिलता है तो बना लेते हैं ब्लॉग। चंडीगढ़ के ना टूरिस्ट प्लेस को मैं को बता दूँगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि कहाँ का ब्लॉग बनाऊँ, बढ़िया सा ब्लॉग बनाऊँगा फिर तो बता देना। फिर चलते हैं, अभी हम जा रहे हैं, अभी हम खरड़ से आए, यहाँ शिवजोत खरड़ में ही है। तो मिलते हैं दोस्तों से, कुछ करते हैं टाइम पास यार, इसमें बड़ा सही आ रहा हूँ। रोनाल्डो अभी रोनाल्डो आगे रेस्ट लेना है। मेरे को ऐसी कटिंग चाहिए, ऐसी कटिंग। ये अभी हम खाने बैठे थे कुछ जिसकी तो खत्म हो गया, क्या बोलते हैं इसको, स्नैक्स। तो मैं बोलता हूँ खाओ स्नैक्स तो खाओ, लेकिन चिकन मोमोज जरूर खाओ, ठंड में चिकन मोमोज का ऑर्डर आने वाला है। तो चलो ठीक है फिर, लेट मी एंजॉय माय चिकन मोमोज। चल बोल चल प्रिंस भाई कितने अपने सागर भाई अपने वरुण भाई प्रिंस भाई को चलो आया आ साडे प्रिंस भाई मिल रहे ब्लॉग बनता है। मुझे लगता है कि दाल को भी वो करना पड़ता है, सीटी लगानी पड़ती है, एक दो दो तीन तीन चार पता नहीं कुछ ना कुछ बना ही देंगे। तो देखते हैं क्या बनता है कुछ पता नहीं क्या बन रहा है। आग तो जली है भाई, बम तो नहीं गई, डर ही लग रहा है पटाखा ना हो जाए कहीं यहाँ पे बम ब्लास्ट। दो कुकर चढ़ा दिए मैंने, पर मैंने अभी अभी रियलाइज़ किया कि इस कुकर की सीटी नहीं है, तो अब सीटी कैसे लगाएं। चलो छोड़ो पर ऐसे ही चला देते हैं इसको, देखते हैं कि इसका पहले यहाँ और क्या क्या है, और कुछ डालते हैं इसमें, मटर पनीर मसाला। ये तो वो है जैसे हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स,
एसिड बेस। ओह धनिया, इसको तो मैं जानता हूँ, इसको तो मैं जानता हूँ, ये शायद जीरा होगा और ये पता नहीं क्या है, ये क्या है पता नहीं क्या है ये। बाहर का सीन बता के आए आपको, बाहर क्या सीन है, यहाँ पे पीछे हमारे मंदिर जी हैं, मंदिर सॉरी वो हैं भगवान जी हैं, भगवान कह सकते हैं आप। वैसे आपको बताया जाए ये मेरा घर नहीं है, मतलब मेरा कमरा नहीं है जो मैंने लिया है, मेरे दोस्त के घर आया हुआ है। और यहाँ से एंट्री होती है ये शिव ज्योति अपार्टमेंट है खरड़ में, जहाँ पे घर ही घर हैं, तो यहाँ पे लिया हुआ है मेरे दोस्त वगैरह ने कमरा, और हमारा मेन खरड़ में है वीआर मॉल के पास, तो वहाँ का ट्रिप भी देंगे वैसे, ये भी अपना ही है समझो, ऐसा लगाना है मम्मी अपने, हमने घर में अपने लग जाएगा ऐसा सा लगाना है। फिर एग्जॉस्ट जो है वो पाइप के थ्रू बाहर निकल रहा है, ये हमारे पास प्रोफेशनल कैमरा आ गया, अब मैं गोरा लगूंगा। पीछे हमारा ऑपरेशन चला है यहाँ पे, तो आज संडे है, छुट्टी है, मजे से घर में एंजॉय करेंगे, सोएंगे, पतंग वगैरह उड़ाएंगे, आज हिमाचल डे है तो एंजॉय। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, तो अभी रात कितने बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं, तो हमको लगी भूख, तो ग्रेटफुलनेस की बात यह है कि यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ पे कितने बजे भी ऑर्डर करो चाहे 3-4 बजे खाना आ जाता है, तो अभी हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं तो कुछ ऑर्डर हो रहा है, शायद हम मॉल जाएँ, तो मॉल में थोड़ा सा कंटेंट बना देंगे आपको, कंटेंट बना के बता देंगे आपको कि क्या कैसा कैसा है, थोड़ा थोड़ा पास में ही है मॉल, वैसे चंडीगढ़ में ज़्यादा घूम नहीं रहा हूँ अभी, तो कमेंट में बता देना कि कौन सी जगह आपने देखनी है, उसको बढ़िया एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उस प्लेस को। तो बस यही है, अभी आज संडे है, छुट्टी है, बाय द वे हैप्पी हिमाचल डे, और कल रिपब्लिक डे है, हैप्पी रिपब्लिक डे, जय माता दी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, मैं आ गया हूँ बाल थोड़े ख़राब करके, सुबह सुबह उठ के बिना नहाए, और आया हूँ वी आर पंजाब मॉल जो भी है ये, और ज़्यादा कुछ लेना नहीं आया, पीछे लिखा है मेरे आई लव पंजाब, स्क्रीनशॉट वधिया है ना, तो पीछे मेरे बहुत सारे लोग हैं, आई एम फीलिंग क्वाइट एम्बेरस्ड, तो देखते हैं क्या जाता है। वी आर पंजाब में मैं हेडफोन लेने आया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, तो देखते हैं फिर एंट्री करते हैं वी आर पंजाब मॉल में। और यहाँ पे ना वरुण धवन आया था एक बार, तो देखा था मैंने गूगल मैप्स पे, तो यहाँ पे मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं मास्क लगा के अंदर हेडफोन लेके घर जाने वाला हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ें बताने वाला हूँ मॉल कैसा होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। पीछे मेरे लाइटें वगैरह लगी हैं, कुछ ऐसा है मॉल, हेडफोन लेंगे और घर जाएंगे सीधा, कोई ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे यहाँ पे, ओके। 10 रुपये भी नहीं है जेब में मेरे, और मेरे जेब में 10 रुपये भी नहीं है, यहाँ पे एलिवेटर में चल रहे हैं, पीछे लोग देख रहे हैं मेरे को, वही व्लॉग कर रहा है, हेडफोन लेने आया हूँ मैं बस, बाकी तो मैं ऐसे घूमने आया हूँ। हेलो 1 2 3 हेलो, कैसा लगा मेरा मजाक?
देखो ज़्यादा कुछ तो हम करेंगे नहीं यहाँ पे, सीधा हेडफोन लेंगे और जाएंगे, ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या है चीज़ें जो हमारी औकात से बाहर हैं। तो ठीक है फिर, ओके, कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मॉल में हम घूम रहे थे तो अभी देखेंगे, हेडफोन लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, पैसे तो मेरे पास कैश नहीं है। तो जैसे मैं मॉल में घूम रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी है ना, पता था कि लाइफ में फाइनेंशियल फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Oh my God! Wow! ओके, थैंक यू। तो भाई हो गया डन सब कुछ, ठीक है, अब हमने मतलब हेडफोन लिए अभी 1400 रुपये के क्रोमा से, के अभी हेडसेट पड़े हैं। तो बंदा बोल रहा था कि नहीं, देखो वो बंदा कोऑपरेटिव था, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं वैसे सीरियस बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर कोई बंदा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है ना और तुम्हें कुछ सर्व करता है तो प्लीज़ उससे तमीज़ से पेश आना, क्योंकि मेरी फील्ड भी वही है। अब मैं जाने वाला हूँ सीधा अपने रूम, तो रूम में मिलता हूँ, बाकी परचेजिंग तो हो गई है। लो जी चप्पल में चले हम, है ना, ये मेरे दादा की चप्पल है, चप्पल में ही सारा मॉल घूम रहे हैं। तो हम कुछ खा पी के सीधा घर निकलने वाले हैं, वाइड एंगल, तो हम सीधा घर निकलने वाले हैं, अब जहाँ रूम है अपना निकलने वाले हैं, और बाकी सारा काम तो हो ही गया है, कुछ खा पी के निकल जाएंगे घर को। तो देखता हूँ, मेरा पता नहीं ये व्लॉग कैसा जा रहा है, कुछ स्टोरी वगैरह है इस व्लॉग में कि नहीं है, तो पता नहीं कैसा गया व्लॉग, तो मैं इसको जल्दी ही एंड करने वाला हूँ और डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो वेट करते रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, सब कुछ कर देना मेरे भाई। तो ठीक है फिर चलते हैं, ओके बाय, सी यू, टाटा। क्या खाया था, कॉफी, ओके बाय। तो वी आर पंजाब मॉल का थोड़ा सा बाहर का एरिया बता देता हूँ कि बाहर का एरिया कैसा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, मास्क शायद मैंने उल्टा लगा दिया है, तो बताते हैं आपको बाहर का नज़ारा। ये गाड़ी इन्होंने ऐसे लगा रखी है, ये घूमने फिरने का तो गार्डन थोड़ा सा, ये ऐसा ही मॉल है, हल्का सा बता ही दिया मैंने, और ये ऐसा ऐसा है, बढ़िया है यहाँ पे। तो ये है भाई मेरे पीछे का मॉल, और ये जो है पीछे लिखा हुआ है आई लव पंजाब, आई रह गया, आई लव पंजाब, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है कि यहाँ लोग आए फोटो खिंचाएं और साथ के साथ मॉल में भी जाएं शॉपिंग करें। चलो फिर चलते हैं घर भाई, ओके बाय, सी यू, टाटा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।